जित हार दी पर विच होवे ना जे गल जित हार ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਭਾਜੀ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਓ तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे किसी तरह की कोई राजनीतिक कारना देश की आजादी का 76वां दिहाड़ा देश की आजादी के 75 साल पूरे हो असी सारे जने अमृत महोत्सव मना रहे हैं घर घर तिरंगा लगा करके बड़े उत्साह बड़े चाह और बड़े सत्कार हर जगह अपना देश की आन बान शान तिरंगा झंडा वो लहरा रहे हैं। मैं इस विशेष दिन के उपर सारे भारत बहुत बहुत बधाई देता हूँ और परमात्मा दे अगे यही मैं कामना करता कि जो मिशन साढ़े देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आरंभिया देश साडा विकसित देश होवे देश साडा आत्मनिर्भर भारत बने देश करप्शन फ्री होवे देश विश्व गुरु बने इस यज्ञ नूं जिहड़ी शुरुआत साढ़े देश के प्रधानमंत्री जी ने की है उहदे विच आओ सारे भारतवासी रल के अहुती पाईए और देश नूं होर मजबूत बनाइए और ऐसिया ताकत जिहड़ियां देश नूं तोड़ना चाहुंदियां ने देश के भाईचारे दे विच खलल पाणियां पाना चाहुंदियां ने और देश के वास्ते देश नूं गुमराह करन की कोशिश करदियां ने उन्हां नूं करारा जवाब दईए कि भारतवासी चाहे वह कश्मीर है चाहे वह कन्याकुमारी है चाहे वह भारत का एक एक कोना भारत का एक एक नागरिक जिहड़ा वह एक है और भारत की मजबूती वास्ते देश के प्रधानमंत्री के नाम देखो अज आजादी के 75वां दिन तो असं मना रहे आजादी तो अं मना रहे सब तो पहले तो मैं अपने देशवासियों इलाका वासियों अज 75वें आजादी दिवस दबारी और उत्तर एक अपने हल्के के अपने पंजाब के भैन जी से बेनती करना आओ अज मोदी जी ने आह्वान किया पहले मोदी जी ने कहा कि हर घर तिरंगा और अज हर घर से तिरंगा जोड़ा वे वो लगे और उस तरीके अज उन्होंने एक आह्वान किया है कि जो सा देश विश्व गुरु बने और विश्व गुरु किदा बनेगा वो सानू सारों मिलकर काम करना पेगा जिसे जड़िया साड़िया देश दिक्कतों उन्होंने दूर करना पेगा गरीबी मिटाना पेगा जो अभी विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और असं मैं तो सारे भरावान जी जिला जिन बेनती करना भी आओ असं जिदा मैं सारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है उन्होंने चलते हुए अभी देश की सेवा लिए काम करिए और अज जिन्ना शहीदा ने
अज सानू आ मौका दिता है आजादी के 75वां जिहड़ा दिवस मना रहे हैं असीं उन्हां शहीदां नूं वी नमन करने जिन्हां शहीदां दीआं कुर्बानियां करके असीं अज सारा हिंदुस्तान दा सुख मनाया है। मेरा सक्रिय राजनीतिक जीवन 40 साल जब भी भारतीय जनता पार्टी बनी उस तो मैं सक्रिय राजनीतिक जीवन से उस तो पहले भी सी, लेकिन मैं अज तक कदे ऐसा नहीं देखा कि इस 15 अगस्त हो या कोई 26 जनवरी हो या होर कोई पार्टी का कार्यक्रम हो प्रशासन किसी भी राजनीतिक पार्टी के झंडे आप उतरवा। और मैं इस गलों सबूत कह रहा कि इतने चौंक के अंदर कल भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगे थे और उन्होंने कारपोरेशन की कमिश्नर ने अपने हुक्मों के हुक्म दे करके उतार उन्होंने हरिंदर कोई सुपरिटेंडेंट है जब असं उन्होंने पूछा कि तू क्यों काम कर रहे लखे जी का मेरे को टेलीफोन आया कहते जी साढ़े को कमिश्नर का ऑर्डर है इस करके असं झंडे उतार रहे। मैं मैडम शहना अग्रवाल ने गल की थी कहते जी मैं तो सारे उतरवा रही हूँ जब पंजाब सरकार के हो मैं क्या देखो 15 अगस्त का दिहाड़ा सबका साझा दिहाड़ा है कांग्रेस भाजपा आप पार्टी का कोई मतलब नहीं है और किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा उतारिया जाना नहीं चाहिए होगा चाहे वह पंजाब से राज करने वाली राजनीतिक पार्टी हो लेकिन उसी उन्होंने आड़ लेकर आम पार्टी के जिहड़े तुसी वर्कर बन गए कदे तुसी इन्ने मेरे वीर खड़े हो कदे देखे कि आप सड़क को झंडा उतार दिए 15 अगस्त 26 जनवरी राजनीतिक पार्टी का झंडा उतार दिए और भारतीय जनता पार्टी का उतारीए सबूत जो मैंने किसी दूसरी कि पार्टी का उतारे इस करके मैं इतने के हुक्मरानों कहना भी एक बार अपने अफसर इदा के हुक्म ना दौ और दूसरा जेडे कमिश्नर है चाहे कोई कमिश्नर कारपोरेशन है चाहे होर कोई है उन्होंने जोड़ा आ झंडे उतारण की भारतीय जनता पार्टी के झंडे उतारण की घिनौनी हरकत की है उन्होंने अगे उस तो बाद जाना चाहिए भारतीय जनता पार्टी सामर्थ है अपना सब कुछ देर उस तो बाद जिम्मेवार होंगे।